नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इस समय की बड़ी और दुखद खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का शनिवार को एम्स में निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। जेटली का कई सप्ताह से एम्स में इलाज चल रहा था। एम्स में इनकी घोषणा करते हुए एक संक्षिप्त बयान में कहा गया है कि हम बड़े दुखद के साथ अरुण जेटली का निधन की जानकारी दे रहे हैं। जेटली को सांस लेने में दिक्कत और बेचैनी की शिकायत के बाद 9 अगस्त को यहां पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था। होम मिनिस्टर अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर शनिवार को कांग्रेस ने भी दुख जताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा है कि हमें अरुण जेटली के निधन के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थना उनके परिवार के साथ है। बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व नीतीश कुमार ने भी आज पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। आपको बता दें कि वह एक उत्कृष्ट न्यायविद भी थे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया है। कमलनाथ ने अपने शोक संदेश में कहा है कि उच्च कोटि के विधि विशेषज्ञ होने के साथ साथ वे उत्कृष्ट राजनेता भी थे। वहीं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का निधन मेरे लिए अत्यंत असहनीय है। उन्होंने अपना महत्वपूर्ण जीवन समाज और बीजेपी को समर्पित कर दिया था। ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं राष्ट्रपति कोविंद ने कहा है कि अरुण जेटली कठिन से कठिन कार्य को शांति, धैर्य और गहरी समझदारी के साथ पूरा करने के अद्भुत सामर्थ्य रखते थे। उनका देहावसान हमारे सार्वजनिक जीवन और बौद्धिक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और सहयोगियों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएँ हैं।